अंदर कर सकते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंट एफर्ट और अच्छा लगता है यू नो जब टीवी एक्टर्स को भी उतना ही प्यार मिलता है जितना बॉलीवुड वालों को मिलता है इसलिए तो यस इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट इनके कॉन्सेप्ट हमेशा से ही बहुत अच्छे हैं BCL वॉज ऑल्सो देयर कॉन्सेप्ट तो BCL में भी आपने देखा था बहुत झगड़े और बहुत बॉलें फेंकी गई थी यस लेकिन 5 साल से फीमेल सेलिब्रिटीज फीचर कर रही हैं मेल सेलिब्रिटीज को नामो निशान नहीं है क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आपने BCL में भी देखा होगा आपने इसमें भी देखा होगा दे आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन द गर्ल्स सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ये कहना चाहूंगा बॉलीवुड के जैसे सेलिब्रिटीज बड़े सेलिब्रिटीज सलमान हैं अमिताभ हैं सब टेलीविजन शोज करते हैं लेकिन जो सेलिब्रिटीज से वो एस्पायर करते हैं कि बॉलीवुड में जगह बनाइए दोनों मीडियम बराबर है आप मानते हैं आज के दौर में दोनों मीडियम बराबर है ऑब्वियसली I think it's the grass is always greener on the other side, but I'm sure the grass is not that greener when you're a Bollywood actor because TV करना बहुत आसान है, TV वालों को movies करना बहुत difficult है, तो yes. अगर इस concept को larger में live किया जाए next 2 years या 3 years में तो क्या करना चाहिए basically अगर इस concept को ये current का concept अगर larger में live अगर हर बार आई थिंक इन्होंने अपना जो यू नो कॉन्सेप्ट देयर होल एफर्ट दे हैव एक्चुअली अप इट ऑल द टाइम तो मुझे पूरा यकीन है इस साल भी बहुत ही डिफरेंट करेंगे लास्ट टाइम से तो आई एम होपिंग यस इट विल बी ग्रेट हमें बहुत अच्छा लगता है हमारे टेलीविजन फ्रेंड्स को एक कैलेंडर में देखकर सो एवरी टाइम कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वो सिर्फ फोटोग्राफ क्लिक करके वापस नहीं आते वहाँ घूमते हैं फिरते हैं बाइट्स लेते हैं तो वो बहुत एक्चुअली यूनिक लगता है एंड इट्स नाइस कि एक हॉलीडे मिल जाता है यहाँ से लोगों को सो इट्स रियली अ गुड कॉन्सेप्ट मेल के आप कॉस्ट्यूम कपड़े भी खरीदने जाओ ना आपको सेशन छोटा सा मिलता है लेडीज का इतना बड़ा मिलता है सो इफ यू गो टू अब्रॉड ऑल्सो ट्रस्ट मी लड़कों के लिए कपड़े ढूंढने पड़ते हैं लड़कियों के ऐसे ही रहते हैं सो इट्स नॉट दैट ओनली बट हम ज़्यादा डेली सोप भी होता है तो अगर लड़कियाँ मेन लीड होती हैं तो शो ज़्यादा चलता है ऐसी बात है सो सी मुझे ऐसा लगता है कि एक फिल्म अगर आप कर भी लो फिर क्या सो व्हाट्स योर फ्यूचर ये मैं सोचती हूँ पर्सनली यस हमारे बहुत लोगों ने टेलीविजन से फिल्मों में कदम रखा एंड बहुत लोग वापस भी आए हैं टेलीविजन पे जिसमें कोई हार्म नहीं आप लक ट्राई कर सकते हो सो मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन जो चल रहा है इफ़ यू आर हैप्पी बी हैप्पी या तो फिर किसी की तरह जस्ट यू नो एक कैरेक्टर करो एंड कम बैक इन टेलीविजन देयर इज नो हार्म इन इट अगर इस कॉन्सेप्ट को लार्जर में लाइव बनाना हो इस टेलीविजन जो कैरेक्टर कॉन्सेप्ट है तो क्या करना चाहिए आपकी समझ से क्या सजेशन है आपकी तरफ से कोई एडवाइस इसको लाइव बनाना हो तो लार्जर में लाइव लार्जर में लाइव आई थिंक सी यहाँ पे इतना बड़ा ग्रैंड ओपनिंग हो रहा है एंड पीपल आर इंटरेक्टिंग तो इट्स बिकमिंग देयर सो डेफिनेटली सून कुछ तो डेफिनेटली होगा थैंक यू बहुत इनोवेटिव है बहुत क्रिएटिव है हर साल कुछ ना कुछ नए ये लोग लेके आते हैं वी हैव स्टार्टेड द टेली कैलेंडर शो फ्रॉम गोवा एंड टुडे दे हैव रीच्ड ताइवान सो डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग जर्नी बहुत सारा हार्डवर्क और मेहनत का ये फल होता है बहुत ग्लैमरस होते जा रहे हैं दिन ब दिन बहुत इनोवेटिव बहुत डिफरेंट होते जा रहे हैं आई थिंक ये टेली कैलेंडर शूट जब भी आता है ना तो ऐसा फील होता है कि यू नो यू आर पार्ट ऑफ अ किंगफिशर कैलेंडर शूट और समथिंग एंड ऑनेस्टली आई एम ऑनर टू बी आ पार्ट ऑफ द टेली कैलेंडर शूट आई एम रियली लकी कि मैं ये दिस इज माई थर्ड ईयर टू बी आ पार्ट ऑफ दिस शूट तो डेफिनेटली आई एम वेरी ऑनर्ड एंड वेरी लकी लेकिन 5 साल से सिर्फ फीमेल सेलिब्रिटीज फीचर कर रही है मेल सेलिब्रिटीज नाम निशान नहीं है कितनी दुख की बात है
बड़ी दुख की बात है सब मेल सेलिब्रिटीज के लिए, बड़े मेल सब दुखी हो जाते हैं. आई थिंक आई एम श्योर अबाउट इट, बट या आई थिंक दे विल कम अप विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, आई एम श्योर अबाउट दैट. कुछ ना कुछ करेंगे. That is completely a creative call. I think Sunny and Anand will be the better person to take a call about it because I'm just a part of the calendar shoot. But definitely, yeah, I think it will be more glamorous agar ladke bhi to be ladke bhi part ho jayenge Telly calendar ka to definitely it's gonna be a more glamorous shoot. Maybe ladka ladki saath mein kuch different innovative poses ke saath kuch alag alag shoot karenge, to I'm sure it will be. आप ये जाना चाहोगे Bollywood के बड़े celebrity Salman, Amitabh सब TV shows करते हैं, लेकिन जो टेलीविजन के स्टार्स होते हैं उनका एस्पिरेशन होता है कि बॉलीवुड में अपने कदम रखें, तो आज के दौर में टेलीविजन और बॉलीवुड बराबर है, ये मानती हैं? मैं पर्सनली हाँ मानती हूँ ये चीज़ को, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ छोटे छोटे शहरों में आम जनता हर जगह पे नहीं पहुँच पाते. एवरीबडी कैन अफोर्ड एक 250 रुपए का टिकट खरीद के मूवी देखना. सो डेफिनेटली पीपल लोग यही प्रेफर करते, घर की बीवियाँ या लोग जब थक जाके घर पे आते हैं तो डेफिनेटली वो टीवी का चैनल हाथ में रिमोट होता है, कोई भी चैनल सर्व करके चैनल चेंज कर सकता है. आजकल फ़ोन पे आ गया है टेलीविजन. सो आई थिंक टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है जो हर किसी इंसान के कोने कोने तक पहुँचते हैं, जो शायद बॉलीवुड मूवीज़ इतना कोना कोना तक पहुंचते हैं. टेलीविजन हैज रीच वर्ल्ड वाइड, मतलब यूएस बोलो, न्यूजीलैंड बोलो, साउथ अफ्रीका बोलो, हर जगह पे आपकी डेली शो देखी जाती है, हर जगह पे आर्टिस्ट को बुलाया जाता है फॉर इवेंट्स एंड ऑल. सो आई थिंक इट्स एन इक्वल प्लेटफॉर्म नाउअडेज, एंड आई थिंक बिकॉज ये मीडियम हर किसी के पास पहुंचता है टू द मास जनरेशन, आई थिंक दैट्स व्हाई बॉलीवुड पीपल भी दे आर इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द टेलीविजन वर्ल्ड नाउअडेज. और अगर इस कांसेप्ट को लार्जर लाइफ क्रिएट करना हो तो क्या आपकी सजेशन की आपकी तरफ से कि लार्जर लाइफ में करना इस कांसेप्ट को? आई थिंक और मीडियम और होना चाहिए जो गांव में है, लोग नहीं अफोर्ड कर पाते टीवी देखना बिकॉज वो थोड़ा प्राइसी हो जाता है. लाइक टाटा स्काई लगानी जाओ या एयरटेल लगानी जाओ या कोई भी डिश टीवी लगानी जाओ, इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर द कॉमन पीपल, फॉर द फार्मर्स और जो भी है पॉर पीपल के अफोर्ड करने के लिए. आई थिंक अगर वो थोड़ा रीजनेबल हो जाएगा तो इट विल बी वेरी इजी, और अगर इंटरनेट और रीजनेबल हो जाएगा तो आई थिंक पीपल कैन जस्ट डाउनलोड एप्स ऑन द फोन एंड वॉच टेलीविजन, लाइक आजकल जो बहुत कॉमन हो गया, बी इट हॉटस्टार और वट एवर. सो आई थिंक दैट विल बी इजियर फॉर द कॉमन जनरेशन टू कनेक्ट. हो गया, हो गया. I think television is bigger as a medium.
I'm telling you this because I do a lot of share markets, and I know that the shares of television, Dish TV, Z Enterprises are not just very good, but they are highly sought after. Sab unko recommend karte because television is the future of everything. मैं लड़कों के बारे में नहीं सोच रही हूँ तो प्लीज आप अपनी चिंता खुद करें। लार्जर देन लाइफ बनाया जाए अगर 2-3 साल में तो क्या करना चाहिए? बेसिकली सजेशन क्या आपकी तरफ से? आई थिंक अगर इसे लार्जर देन लाइफ बनाया जाए तो यू नो एवरी गर्ल शुड हैव अ ओन थीम एंड एवरी गर्ल शुड बी शॉट इन अ डिफरेंट कंट्री, देन आई थिंक इट विल बी रियली ग्रैंड। थैंक यू।